नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम होम मैनेजमेंट के क्वेश्चंस देखेंगे, जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये होम मैनेजमेंट के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो देखते हैं पिछले एग्जामों में किस तरीके से होम मैनेजमेंट से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाद के कार्य करने में बाधक है? ए ऑप्शन है आराम, बी ऑप्शन है ऊर्जा, सी ऑप्शन है थकान और डी ऑप्शन है कोशिका। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी राइट आंसर है। बाद के कार्यों को करने के लिए बाधक के रूप में क्या है? थकान है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बर्डन थकान किस प्रकार की नहीं है? ए ऑप्शन है शारीरिक, बी ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक थकान, सी ऑप्शन है पर्चुरेशनल थकान और डी ऑप्शन है बी एवं सी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए राइट आंसर है। जो बर्डन थकान होती है वो शारीरिक थकान के अंतर्गत नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक प्यासे व्यक्ति का दूसरे गिलास पानी पीने पर कम संतोष मिलता है, यह स्पष्ट विषय है। ए ऑप्शन है मांग के नियम का, बी ऑप्शन है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का और सी ऑप्शन है उत्पत्ति ह्रास नियम का, डी ऑप्शन है पूर्ति के नियम का। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी राइट आंसर है। एक प्यासे व्यक्ति का दूसरा गिलास पानी पीने पर कम संतोष मिलता है, यह स्पष्ट विषय है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का। जब हमारी उपयोगिता पूर्ण हो जाती है तो उसके बाद जो हमारी संतोष होता है वो कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर है, गृह कार्य में थकान को दूर करने के लिए प्रमुख विधि है। ए ऑप्शन है एलिमिनेट स्टेटिंग कार्य, बी ऑप्शन है एलिमिनेट स्टेटिंग कार्य और डायनामिक कार्य, सी ऑप्शन है एलिमिनेट डायनामिक कार्य और डी ऑप्शन है समय और श्रम बचत करने वाले उपकरण। तो क्वेश्चन नंबर फोर का डी राइट आंसर है। गृह कार्य में थकान को दूर करने के लिए प्रमुख विधि जो है वो कौन सी है? समय और श्रम बचत करने वाले उपकरणों का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर फोर का डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फाइव है, निम्न में से कौन समय व्यवस्थापन का यंत्र नहीं है? ए ऑप्शन है पीक लोड, बी ऑप्शन है कार्यवक्र, सी ऑप्शन है विश्राम काल और डी ऑप्शन है थकान। तो क्वेश्चन नंबर फाइव का डी राइट आंसर है। जो थकान है वो व्यवस्थापन यंत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर फाइव का डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, ऑर्गोनॉमिक्स के तत्व हैं। ए ऑप्शन है कार्य और वातावरण परिस्थितियाँ, बी ऑप्शन है शारीरिक माप और शारीरिक रासायनिक क्रियाएं और सी ऑप्शन है मानव कारक और मानव क्षमताएं, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का डी राइट आंसर है। उपयुक्त सभी ऑर्गोनॉमिक्स के जो तत्व है, कार्य एवं वातावरण की परिस्थितियां, शारीरिक माप और शारीरिक रासायनिक क्रियाएं, मानव कारक और मानव क्षमता, क्वेश्चन नंबर सिक्स का डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेवन है, किस साधन की गुणात्मक सीमाएं हैं? ए ऑप्शन है ऊर्जा, बी ऑप्शन है भौतिक पदार्थ, सी ऑप्शन है धन और डी ऑप्शन है ज्ञान। तो किस साधन की जो गुणात्मक सीमाएं हैं वो भौतिक पदार्थ के हैं? क्वेश्चन नंबर सेवन का बी राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एट है, धन कैसा साधन है? ए ऑप्शन है मानवीय, बी ऑप्शन है अमानवीय, सी ऑप्शन है मानवीय तथा अमानवीय दोनों और डी ऑप्शन है दोनों में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर एट का बी राइट आंसर है। जो धन है वो कैसा संसाधन है? अमानवीय संसाधन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नौ है, आय व्यवस्थापन में सबसे पहले आवश्यक है। ए ऑप्शन है लक्ष्यों को जानना, बी ऑप्शन है धन का विश्लेषण, सी ऑप्शन है विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान और डी ऑप्शन है आय तथा आवश्यकताओं में सामंजस्य। तो आय व्यवस्थापन में सबसे आवश्यक जो है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर नाइन का ए राइट आंसर है। लक्ष्यों को जानना आय व्यवस्थापन में सबसे आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर नाइन का ए राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 10 है, समय व्यवस्थापन की योजना के सफल होने से ए ऑप्शन है संतोषजनक पारिवारिक लक्ष्य की प्राप्ति होती है, बी ऑप्शन है परिवार के सदस्य मानसिक रूप से संतुष्ट होते हैं, सी ऑप्शन है संतोषजनक पारिवारिक लक्ष्य एवं मानसिक संतुष्टि दोनों होते हैं, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो समय व्यवस्थापन की योजना के सफल होने से संतोषजनक पारिवारिक लक्ष्य एवं मानसिक संतुष्टि दोनों होते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कार्य सरलीकरण का अर्थ कार्य करने की सबसे आसान और शीघ्र विधि की सचेतता खोज करना है, यह परिभाषा निम्न में से किससे संबंधित है, ए ऑप्शन है ग्रास एम कैंडल, बी ऑप्शन है आर सी देवदास, सी ऑप्शन निकिल एम डॉसी और डी ऑप्शन है ओपनहेम। तो कार्य सरलीकरण का अर्थ कार्य करने की सबसे आसान शीघ्र विधि का सचेतता खोज करना, ये कथन किसने है, निकिल एम डॉसी का है, क्वेश्चन नंबर 11 का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वॉशिंग मशीन कार्य सिद्धांत है, ए ऑप्शन है अपकेंद्रण, बी ऑप्शन है अपोहन, सी ऑप्शन है उपक्रम प्रसारण और डी ऑप्शन है विस्तरण। तो वॉशिंग मशीन कार्य जो सिद्धांत है वो कौन सा है, अपकेंद्रण है, क्वेश्चन नंबर 12 का ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मुंडेन ने कार्य सरलीकरण को 3 परिवर्तन के वर्गों में विभाजित किया है, इनमें से पहला परिवर्तन है ए ऑप्शन है उत्पादन में परिवर्तन, बी ऑप्शन है कार्य संग्रहीकरण व उपकरण में परिवर्तन, सी ऑप्शन है हाथ और शरीर की गतिविधियों में परिवर्तन और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सी राइट आंसर है, मुंडेल के कार्य सरलीकरण के जो 3 परिवर्तन है उसमें से जो प्रमुख पहला है वो कौन सा है, हाथ और शरीर की गतिविधियों में परिवर्तन, क्वेश्चन नंबर 13 का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कार्य सरलीकरण का अर्थ है ए ऑप्शन है कार्य संबंधी आदतों में परिवर्तन, बी ऑप्शन है श्रम की बचत करने वाले उपकरणों का प्रयोग, सी ऑप्शन है कार्य स्थान को संगठित करना और डी ऑप्शन है कार्य क्रिया में कौशल विकास। क्वेश्चन नंबर 13, कार्य सरलीकरण का अर्थ है ए ऑप्शन कार्य संबंधित आदतों में परिवर्तन करना कार्य सरलीकरण का अर्थ है, क्वेश्चन नंबर 14 का ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सर्वाधिक ऊर्जा का उपयोग करने वाला कार्य है ए ऑप्शन है बुनना, बी ऑप्शन है आटा गूंथना, सी ऑप्शन है फर्श पोंछना और डी ऑप्शन है डस्टिंग। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सी राइट आंसर है, सर्वाधिक ऊर्जा यानी कि जिसमें हमारी सबसे अधिक ऊर्जा व्यय होगी वो कार्य कौन सा है, फर्श पोंछना यानी कि पोछा लगाना सबसे अधिक ऊर्जा का कार्य है, क्वेश्चन नंबर 15 का सी राइट आंसर है। तो ये हमने होम मैनेजमेंट के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस देखे हैं जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।